हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स आज जो गाड़ी हम देखेंगे वो है टियागो एनर्जी। टियागो एनर्जी पहले BS4 में आता था, अभी BS6 में आ रहा है, लेकिन इसमें क्या क्या सब फीचर दिया है, क्या क्या सब चेंज हुआ है हम आज देखेंगे। लेकिन एक नया कलर भी आ रहा है, वो है फॉलिज ग्रीन। पहले वो हरियर में ही आ रहा है और नेक्सन में भी आ रहा है, अभी टियागो में भी आ रहा है। तो कैसा दिखता है और कैसा डिजाइनिंग किया है हम सब देखेंगे आज वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं गाड़ी के फ्रंट लुक से, तो चलते हैं। तो ये रहा कार का जो फ्रंट लुक, ये है टियागो एनर्जी का। तो बात करते हैं, देखिए ये पहले फॉलिज है, थोड़ा बारिश हो रहा है, तो थोड़ा बारिश के कारण गाड़ी ऐसे थोड़ा भीग गया है। तो देखते हैं उसके फ्रंट लुक। फ्रंट लुक में आपको देखिए ऊपर का जो ग्रिल है वो ग्रिल आपको आरओ डिजाइनिंग के ग्रिल है, लेकिन ये रॉफ ब्लैक फिनिशिंग है, इससे ब्लैक पियानो फिनिशिंग नहीं किया गया है। बीच में आपको टाटा का लोगो आपको मिल जाएगा। हेडलैम्प की बात करें, हेडलैम्प में आपको डबल पॉइंट बॉल मिलने वाला है अंदर, जो एक हाई बीम लो बीम इसी में है, और नीचे आपको पार्किंग लैम्प मिल जाएगा। यहाँ साइड आपको इंडिकेटर मिल जाएगा, इसमें प्रोजेक्टर आपको नहीं मिलेगा। और ये जो लाइनर है आपका क्रोम का लाइनर फेंडर टू फेंडर कनेक्ट करता है, जैसे हर टियागो में ये अवेलेबल है। और नीचे आपको फॉग लैम्प मिल रहा है, नीचे इसमें फॉग लैम्प दिया गया है जो। और इसकी एक खास बात ये होती है, जो लुकिंग को बेहतर कैसे बनाता है मैं दूर से दिखाता है। ये जो प्लास्टिक की आप गार्ड देखेंगे तो पूरा का प्लास्टिक जो गार्ड है, पूरा गार्ड जो कार के पूरा चारों तरफ से घुमा के आपको अगर दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि एक प्लास्टिक की जो डिजाइनिंग गार्ड है वो चारों तरफ है गाड़ी की। मैं आपको दिखा दूंगा कैसे लाइनिंग किया गया है, उसको मैं भी दिखाऊंगा। तो ये देखिए पूरा नंबर प्लेट के ऊपर भी एक जो दिया है प्लास्टिक की डिजाइनिंग को किया गया है। नीचे आपको एक सिल्वर का पार्ट भी इसमें ऐड किया गया है नीचे की बम्पर में, जो उसकी लुकिंग को और भी बेहतर बनाता है। तो साइड व्यू भी देखते हैं। साइड व्यू भी हम जब जाएंगे तो पहले उसके व्हील की नजर आएगा। व्हील आपके लिए 15 इंच का रिम व्हील है, ये आलो व्हील नहीं है, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये आलो व्हील है, रिम कटिंग आलो व्हील डिजाइनिंग ऐसे किया गया है कि आपको आलो व्हील जैसे लगे, व्हील के आपको भी ऐसे बनाया गया है। और आपको जैसे वाला फेंडर के ऊपर आपको देख सकते हैं एक प्लास्टिक की लाइनर, जैसे मैंने बोला कि चारों तरफ ये लाइनर पूरा जुड़ी हुई है, तो उसकी लुकिंग को और भी बेहतर जैसे बनाए इस तरह से डिजाइनिंग किया गया है। तो साइड में चलते हैं। रनिंग बोर्ड एक्चुअली इसमें प्लास्टिक का कवर दिया गया है सो लुकिंग को बेहतर बनाने के लिए। और ये भी डोर में आपको दिखने को मिल जाएगा एक लाइनर। और यहाँ पे आपको मिरर जो मिल रहा है, मिरर आपको ऑटो फोल्ड मिरर है और ब्लैक पियानो फिनिशिंग के साथ आपको इंडिकेटर यहाँ पर मिल रहा है। और आपको जो आउटर हैंडल मिल रहा है वो हैंडल आपको रफ ब्लैक फिनिशिंग है, और यहाँ पे ब्लैक पियानो फिनिशिंग दिया गया है यहाँ पे। तो साइड भी देखते, ये क्वार्टर पैनल के साइड में देखिए, ये भी प्लास्टिक की, जैसे मैंने बोला कि हर तरफ ये है, पूरा आगे से लेकर पीछे तक पूरा गाड़ी को ये डिजाइन, ये चारों तरफ के डिजाइनिंग बनाता है। ये और देखिए टियागो और टियागो एनर्जी, यहाँ पर आपको टियागो का बैजिंग और एनर्जी आपको वहाँ पे आपका बैजिंग मिल जाएगा। बीच में आपको टाटा का लोगो, और नीचे आते ही आपको यहाँ पर बटन मिलेगा, क्योंकि आप इसी के जरिए आप टेलगेट ओपन कर सकते हैं। रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और आपको यहाँ पर दोनों साइड में रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको मिल जाएगा। और नीचे देखिए जो बम्पर की डिजाइनिंग भी देखिए बहुत अच्छा है। नीचे जो पार्ट है उस नीचे का जो बम्पर है वो सिल्वर कलर का ही दिया गया है, जो उसकी लुकिंग को और बेहतर बनाता है। डिफॉगर रियर वाइपर आपको इसमें मिल जाएगा, स्टॉप लैंप आपको ऊपर मिल जाएगा। और ऊपर देखे तो आपको यहाँ पर डुअल टोन कलर है, ब्लैक के साथ ग्रीन कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। और रूफ रेल इसमें आपको अवेलेबल हो जाएगा, रूफ रेल। तो अगर देखा जाए पूरा कम्प्लीटली गाड़ी को अगर देखा जाए तो एक गाड़ी एक स्पोर्ट्स लुक जैसा दिखाई देता है, क्योंकि इस आपके लिए जो प्लास्टिक की लाइन आपको देख रहे हैं पूरा चारों तरफ है, जैसे का एक एक पार्ट को जोड़ के ऐसा लगाया गया है जैसे कि एक कम्प्लीटली ऐसे गाड़ी में लगाया गया हो, तो स्पोर्ट्स लुक नजर आता है गाड़ी। इस केवल स्पोर्ट्स लुक नजर आता है कि ये जो प्लास्टिक की डिजाइनिंग के लिए, तो टियागो जो भी है, टियागो का ही मॉडलिंग, टियागो जैसा ही है ये वैसा ही है, लेकिन टियागो की तरह इसमें थोड़ा और डिजाइनिंग किया गया है, इसीलिए कार थोड़ा टियागो से छोटा लगता है और हाइट लगता है उसकी रूफ रेल के जरिए। अगर नॉर्मली टियागो हम देखेंगे, ये देखिए कि नॉर्मल टियागो खड़ा है, और इसमें थोड़ा डिफरेंट आपको नजर आएगा, क्योंकि इसकी प्लास्टिक की जो डिजाइनिंग किया गया वो बेहतर बनाया गया है, एक स्पोर्ट्स लुक कार जैसा नजर आता है। तो अंदर चलते हैं, ये तो हो गया एक्सटीरियर, और इंटीरियर की बात करते हैं कि आपको इस तरह से दो स्मार्ट की आपको मिल रहा है। ओपन करते हैं,
पहले इग्निशन ऑन कर लेते हैं। पुश बटन स्टार्ट इसमें दिया गया, स्मार्ट की है, हम की को यहीं पे रखते हैं। तो पहले हम नजर डालते हैं उसी क्लस्टर, क्लस्टर में आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, जैसे टियागो में था, टिगोर में था, इसमें भी है। स्टेयरिंग व्हील में कोई चेंज नहीं है, माउंट कंट्रोल यहाँ पर आपको मिल रहा है। और यहाँ पर नजर डालते हैं उसकी डैशबोर्ड के ऊपर, डैशबोर्ड आपको ब्लैक फिनिशिंग का ही मिलने वाला है डैशबोर्ड। यहाँ पर एसी वेंट हम देखेंगे तो आपको जो सेंटर में आपको एसी वेंट दिखेगा, यहाँ पर आपको देखिए इधर आपको यहाँ पर एक जो ब्लैक पियानो फिनिशिंग दिया गया है, उनको इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ पूरा एसी का वेंट भी पूरा फिनिशिंग किया गया है ब्लैक पियानो फिनिशिंग के साथ। और यहाँ पर सिल्वर लाइनिंग आपको देखने को मिलेगा। और साइड में आपको जो व्हीकल का जो भी कलर है, यानी कि इसमें ग्रीन है तो यह देखिए ग्रीन कलर है, और यहाँ पे सिल्वर का लाइनर भी दिया गया है दोनों साइड पर। और बीच में ही आपको सिर्फ जो सेंटर में है जो ब्लैक पियानो फिनिशिंग आपको देखने को मिलेगा। और तो यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, जैसे टियागो में अभी मिलता है टॉप वेरिएंट में, इस तरह से मिल जाएगा। नीचे आपको फॉग लैंप हो, डिफॉगर, लॉक ऑन लॉक, और आप बूट खोलने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। नीचे यहाँ पर ऑटो एसी आपको नहीं मिल रहा है, मैनुअली एसी है, आप उसे मैनुअली यूज कर सकते हैं। और नीचे आपको यूएसबी कनेक्टर दे रहा है, और 12 वोल्ट का सर्किट आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और गियर लीवर में कोई आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर आप की रख सकते हैं, और यहाँ कुछ रख सकते हैं, जगह दिया है आप यहाँ पर रखने के लिए। और यह पार्किंग बैग आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। और ग्लो बॉक्स देखते हैं, ग्लो बॉक्स में एक्चुअली लैपटॉप ट्रे दिया गया है, और ये है इसमें लाइट नहीं दिया गया है, लेकिन कूलिंग सिस्टम दिया गया है यहाँ पर। और डोर पैड भी देखेंगे तो पूरा ब्लैक फिनिशिंग है, डोर पैड भी ब्लैक फिनिशिंग है। और ये जो इनर हैंडल है वो ब्लैक फिनिशिंग है, मैंने ये रॉ ब्लैक फिनिशिंग का ही हैंडल आपको प्लास्टिक में अवेलेबल हो जाएगा। और पावर विंडो आपको चारों ही पर मिल रहा है। सीट की बात करते हैं, सीट फैब्रिक फिनिशिंग की सीट है, डिजाइनिंग थोड़ा चेंज किया गया है, उसमें आरो डिजाइनिंग था, इसमें नॉर्मली ऐसे ही एक लाइनर ही है। पीछे की सीट की बात करें तो इसमें आर्म रेस्ट आपको नहीं मिलने वाला है। और सीलिंग की बात करें, सीलिंग व्हाइट सीलिंग ही आपको इसमें मिलेगा, इसमें आपको ब्लैक फिनिशिंग नहीं मिलेगा, सीलिंग आपको व्हाइट कलर का ही मिलने वाला है। और जैसे कि कहा मैं टेलगेट है, उसी बटन से आप टेलगेट ओपन कर सकते हैं। टेलगेट में यानी बूट में आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, वही जो सिस्टम टियागो में है इसमें भी है, कोई चेंज नहीं है। तो इंजन में भी कोई चेंज नहीं है, सेम इंजन है, सिर्फ जो गाड़ी की जो इंटीरियर एक्सटीरियर थोड़ा चेंज हुआ है, उसको लुकिंग को स्पोर्ट्स लुक बनाए इसी तरह से किया गया है, जैसे BS 4 में था इसमें भी है। थोड़ा जो की और जो पुश बटन स्टार्ट है और कीलेस एंट्री, उसमें थोड़ा काम किया गया है, जो गाड़ी की डिजाइनिंग को और भी बेहतर बनाता है देखने में, और भी मजा आता है देखने में। आप किसी नजदीकी शोरूम में जाइए, पहले टियागो देखिए, उसके बाद टियागो एनर्जी देखिए, एक टेस्ट ड्राइव लीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा गाड़ी चाहिए, एनर्जी चाहिए या नॉर्मली टियागो XZ हो या XZ प्लस चाहिए। आलो व्हील मैंने दिखा दिया, उसमें आलो व्हील नहीं है, रिम है, सिर्फ उसमें एक व्हील कैप के जरिए आपको जैसे लगे कि आलो व्हील, दूर से इसके डिजाइनिंग आलो व्हील जैसा ही नजर आता है। प्राइस की बात करें, दो वेरिएंट में ये मैनुअल है और ऑटोमेटिक है, 7,40,000 से 8,10,000 के आसपास पड़ता है ये दोनों वेरिएंट का प्राइस। तो यही था इन्फॉर्मेशन, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आगे की अच्छी अच्छी जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।